दीदी राम राम। राम राम भैया। दीदी अभी क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, हम चना कटाई कर रहे हैं। दीदी चना की कटाई कर रहे हैं तो हाथ से खोलते हैं या हंसी से काटते हैं? भैया हम तो हंसी से कटाई कर रहे हैं। हाँ, हाथ से हम नहीं उखाड़ते हैं। हाथ से नहीं उखाड़ते ना? हाथ से क्यों नहीं उखाड़ते दीदी? भैया जो चना में गांठ होते हैं अंदर ना चने की जड़ में, तो उखाने से क्या होते भैया कि वह जड़ निकल जाए तो खाद जो खाद वह देते वो खाद बाहर निकल जाए। और हंसिया से कटाई से कहा है कि वह जड़ जो रहते भैया तेन वह जमीन में रहते। दीदी तो हंसिया से जब काटते हैं तो कौन कौन से हंसी उपयोग कर सकते हैं, आरी वाली या साधारण? हाँ भैया, दांत वाली हंसी है। यह हंसिया से काटे से आरी जैसे इसका धार भी है और कटाता भी अच्छा है इसमें। दोनों हंसियों में से कौन सा हंसी अच्छा होता है दीदी? दांत वाली हंसी अच्छा होता है। अच्छा, दांत वाली हंसी अच्छा होता है। हाँ। ये क्यों अच्छा होता है दीदी? ये मैं अच्छा कटर थे आरी जैसे बराबर कटर थे। आरी जैसे दांत भी होते हैं। हाँ। है ना? हाँ। दीदी आपको कैसा पता चलता है कि चना काटने योग्य हो गया है? भैया पीला पत्ता हो जाते हैं भैया चना की। हाँ। अच्छा, और कुछ और कारण भी हो सकते हैं क्या इसके? जैसे मान लीजिए आपने बताया पत्तियों का पीलापन, फिर कुछ और भी समस्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ फली भी सूखते होंगे। हाँ भैया, जिन फर रहते तेन झुरा जाते भैया तब पक गया कि कटाई कर डार थे। क्या दीदी अभी हमको काट के दिखा सकते हैं चना क्या? हाँ भैया काट के दिखा सकते हैं। दीदी काटते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए हमें? हाँ भाई, हम जमीन से इतना ऊपर काट हम, अरे जमीन जड़ उखना ना चाहिए। दीदी जो कटाई कर रहे हैं तो ये जड़ क्यों नहीं उखड़ना चाहिए खेत से? हाँ भैया, जेन ये छोटे छोटे गांठ है ना, यूरिया के काम करते भैया। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है दीदी कि जो चना के जड़ों में गांठ होती हैं, जो जीवाणु होते हैं उस गांठों में, वो राइजोबियम है और सूर्य के प्रकाश में ये नाइट्रोजन बनाने का काम करती है ना? हाँ भैया। और ये यूरिया का भी काम करता है। हाँ भैया, इसलिए हम नहीं उखाड़न भैया, हंसिया से कटाई करते हैं। जमा की वह जेन वो गांठ होते हैं तेन वो बहुत काम करते भैया, तो इसलिए हम हंसिया से कटाई करते हैं। तो आप चना को उखाड़ते नहीं हैं, हंसिया से कटाई करते हैं, है ना? हाँ। ताकि चना की जो जड़ है वो मिट्टी में रहे। हाँ। और जो जीवाणु है वो भी रहे राइजोबियम, और हवा हवा से जो है तो वो अपना भोजन पानी।